केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। जल संसाधन विभाग ने प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने आज कोशी बराज का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता समेत तमाम विभागीय अभियंता मौजूद रहे। प्रधान सचिव ने कोशी बराज के कंट्रोल रूम सहित कोशी बराज पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों बाढ़ अवधि के दिनों में कोशी बराज में हुए अधिकतम डिस्चार्ज से जहाँ जहाँ बराज का वाल क्षतिग्रस्त हुआ है उसका भी निरीक्षण किया और कहा कि जल्द ही कोशी बराज के तमाम सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। 6 माह के अंदर तमाम सिस्टम को अपडेट करने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि कोसी बराज के पास नदी में जमा सिल्ट को लेकर अध्ययन किया जा रहा ताकि सिल्ट को हटाने की दिशा में कार्य किया जा सके। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जल्दी एक और बराज का भी निर्माण शुरू होने वाला है। सर, निरीक्षण किया गया, कोसी बराज का क्या कहेंगे? जी हाँ सर, हकीकत है क्या कि इस बार 6,61,000 का दबाव कोसी बराज ने झेला है और संजोग से आप यहाँ मौजूद हैं, आपने निरीक्षण किए हैं, तो ये जो पानी का जो बड़ा दबाव आया है क्या लगता है कहाँ क्या क्या परेशानियां पैदा हुई? देखिए, ये जो हम अभी देख रहे हैं आज की तिथि में ये लगभग 67,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज है जो आपके सामने है। तो इसमें हमारे बहुत सारे गेट्स बंद हैं और अभी हम लोग ने एक गेट को खुलवा करके जो सिल्ट का मूवमेंट होता है कैसे उसको समझने की कोशिश की। 6,61,000 क्यूसेक और 67,000 क्यूसेक यानी कि लगभग 10वां हिस्सा चल रहा है केवल पानी का। जिस दिन 6,61,000 क्यूसेक चल रहा था उस दिन यहाँ के वीडियोज हम लोगों के पास जा रहे थे और लाइव भी कुछ लोगों ने वीडियो कॉल पे दिखाया था, सारे गेट्स ऊपर तक खुले हुए थे और कई लॉग्स आकर के टकराए, जिससे कि आप देख सकते हैं ये सारा हमारा पैरापेट वॉल जो है वो डैमेज हुई। अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि नदी का जब फ्लो हो रहा है तो नदी के फ्लो के साथ हमारे बैराज के जस्ट सटे हुए हिस्से में तो जो सिल्ट जमा होती है वो फ्लश आउट कर जाती है फ्लो होने से, लेकिन बैराज से आधा किलोमीटर दूर अपस्ट्रीम में 4-5 किलोमीटर तक और डाउन स्ट्रीम में भी इसी तरह 4-5 किलोमीटर तक अच्छा खासा सिल्ट डिपॉजिट होता है जो आप यहाँ सामने दिख भी रहा है। अभी हम लोगों को चीफ इंजीनियर साहब दिखा रहे थे, यहाँ सामने ही एक शोल बना हुआ है, पीछे एक शोल बना हुआ है और इसके अपस्ट्रीम में भी काफ़ी बड़े बड़े शोल बने हुए हैं। तो अब वो शोल बन जाने की वजह से पूरी नदी का जो डिस्चार्ज है, जो बराज का डिस्चार्ज कैपेसिटी है, वो प्रभावित हो रहा है। तो हम लोगों को उसको बड़े पैमाने पर ये यहाँ आके समझ में आती है बात, पटना में हम लोग उतना नहीं महसूस कर पाते, यहाँ आके ये बात समझ में आ रही है कि इसको मैसिव डिसिल्टेशन 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कराने की ज़रूरत है। उसके लिए अभी हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने नक्शे पे मार्क करके भी हमको दिखाया। अभी हम वेस्टर्न जो हमारी कैनाल है उस पर भी जाएंगे और उसके गाइड बांध पे और आगे जाके जो हमारे शोल्स जहाँ बन गए हैं इसके अपस्ट्रीम में उसका निरीक्षण करेंगे। तो आने वाले समय में हम लोग फिर इसकी योजना बना के इसका डिसिल्टेशन मैसिव लेवल पे भारी भरकम तरीके से अच्छे से कराने की कोशिश करेंगे और ये जो डैमेज हो गया है ये तो रिपेयर हो जाएगा। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट दिख रहा है और इसको देख के बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर जो 1960 के दशक में का बना हुआ है और 50 के दशक में 1959 में काम शुरू हुआ और फिर बना, तो वो इंटैक्ट दिख रहा है। तो ये खुशी की बात है। हमारा स्काडा सिस्टम हमने देखा रिमोट ऑपरेटेड है, यहाँ से अभी कमांड दिया वॉकी टॉकी से और वहाँ से बटन दबाया गया, गेट खुलना शुरू हुआ। इसका भी हम लोग बहुत अच्छा जो आधुनिक है उसको अपडेट करने जा रहे हैं, अगले 5-6 महीने में वो स्काडा सिस्टम भी हमारा अपडेट होके नए रूप में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों को कुछ और ज़रूरतें बताई हैं जो इंस्पेक्शन के पर्पज़ के लिए, सिल्ट लैब के पर्पज़ के लिए, तो उसको भी हम लोग सैंक्शन करेंगे ताकि इस बराज को हम अच्छे से अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकें सिल्टेशन हटाने के अलावा। हाँ, भारत सरकार के द्वारा आपने देखा होगा यूनियन बजट जो जुलाई 2024 में उसकी घोषणा हुई है, तो उसमें एक और अतिरिक्त बैराज की भी घोषणा की गई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।